नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कोच केयर सेंटर प्रयागराज। दोस्तों आज हम स्मार्ट कोच के बारे में बात करेंगे। WSP सिस्टम जो हमारे स्मार्ट कोच में लगे होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट टाइप का उसमें सॉफ्टवेयर पड़ा होता है, आज उस पर बात करेंगे। उसका डाटा कैसे डाउनलोड करना है और नॉर्मल कोच के डाटा कैसे डाउनलोड करना है उस पर बात करेंगे। स्मार्ट कोच हमारे जैसे तेजस, हमसफर के कोचेस जो हैं वो सब स्मार्ट कोचों में आते हैं। उसका डाटा निकालना थोड़ा सा अलग है, उसका आईपी एड्रेस चेंज करके देखिए। जैसे इसका STN 45008 लिखा हुआ है, ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्जन है। ये हमारे पीकू कोचेज में सॉफ्टवेयर इस वर्जन का पड़ा होता है। और जो हमारा नॉर्मल कोचेज हैं उसमें हमारा जो है STN 38150 पड़ा होता है। किसी किसी में दूसरा भी है लेकिन इसमें 38150 नॉर्मल कोचेज में है। आइए इसका डाटा कैसे डाउनलोड करते हैं उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम ईथरनेट सेटिंग को खोलते हैं, जिसमें चेंज एडाप्टर ऑप्शन को खोलते हैं। चेंज एडाप्टर ऑप्शन खोलने के बाद हम ईथरनेट में जाएंगे, ईथरनेट में राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज खोलेंगे, ये गलती से मुझसे खुल गया। राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज खोलेंगे। प्रॉपर्टीज़ में आके इसका आईपी एड्रेस हमें पूरा चेंज करना है, जिसमें हम सेलेक्ट करेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। अब इसमें ये जो आईपी एड्रेस पड़ा हुआ है ये नॉर्मल कोचेस का है, नॉर्मल कोचेस में सेम ये आईपी एड्रेस होता है। दोस्तों इसको चेंज नहीं करना है, अगर नॉर्मल कोच है आपका तो ये केवल पीको कोच के लिए हम चेंज करेंगे। तो पीको कोच में आपका जो है ये सारा जो है कोड हम डाल देते हैं इसमें, और ये हमने साइड में आपको बता दिया इसमें क्या कोड पड़ेगा। आपको एक एक करके सारा कुछ इसमें डालना है, और डालने के बाद इसकी सेटिंग चेंज करनी है। सेटिंग चेंज करने के लिए ये सारा कोड जो है आपको डालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका सिस्टम जो है, जो आपका सॉफ्टवेयर है वो काम नहीं करेगा, कनेक्ट नहीं होगा, हमारा इथरनेट कनेक्ट नहीं होगा। तो उसके लिए हमको सबसे पहले इसके सारे कोड चेंज करते हैं। ये आईपी एड्रेस कोड इसको बोलते हैं। इसको चेंज करने के बाद ये आपका पीको कोच का पूरा सेटिंग है। इसको सेट करने के बाद ओके किया हमने, ओके करने के बाद फिर से ओके दोबारा किया। अब ये हमारा आईपी एड्रेस चेंज हो गया है। अब हमको जो है सॉफ्टवेयर में जाना है, सॉफ्टवेयर हम खोलेंगे नॉर्बिम्से का, और थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों। खुल गया, खुलने के बाद अभी हमारा जो है सिस्टम ग्रीन नहीं हुआ, साइड में रेड रहेगा। अब इसका नेक्स्ट जो हमें चेंज करना है, इसके ऑप्शन टूल में जाके, ऑप्शन में जाके इथरनेट यहाँ सेट करना है। फिर यहाँ पे जो दोस्तों उसमें आपका आईपी एड्रेस जो था, जो लास्ट वाली जो लाइन थी उसको यहाँ पे हमें सबमिट करना है। जैसे 192.168.1.100 यहाँ पे डालना है। जैसे ही हम इसको डालेंगे आपका जो भी इथरनेट कनेक्शन है वो कनेक्ट हो जाएगा, नहीं तो रेड जो ब्लिंक करता रहता है यहाँ पे वो ब्लिंक करेगा। अगर इसको जैसे ही ओके करेंगे हमारा यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। ये सेटिंग दोस्तों हमें चाहिए, देखिए आपको ग्रीन हो गया। ये सेटिंग हमें चेंज करना बहुत ज़रूरी है, बिना इसके आप डाटा नहीं डाउनलोड कर सकते। अब यहाँ पे हम डाटा डाउनलोड करते हैं। डाटा लॉग्स में जाके, एडवांस में जाके, डाटा मैनेजर में जाके, यहाँ पे हमने जैसे नॉर्मल हम लोग डाउनलोडिंग करते हैं सेम वही प्रोसेस है। ये ब्राउज़र खोला हमने, इसमें देखिए अब ओपन होने के बाद ये आ गया हमारा लॉग, ब्राउज़र खुल गया। इसमें हमने टाइम रेंज सेट कर लिया है। टाइम रेंज सेट में हमने ये मंथ चेंज कर दिया है, हमने कब से हमें चाहिए डाटा इसका। रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद हमारा यहाँ सारा डाटा जो है लॉग होने लगा, डाटा हमारा लॉग हो रहा है। देखिए यहाँ साइड में जो है रिजल्ट लिख के आ रहा है लॉग फाइल्स करके, कितनी हमारी इसमें फाइल इसने जनरेट करी है WSP एक्टिविटीज़ का, वो सारा डाउनलोड होने लगा। जैसे ये पूरा 100% हो जाएगा दोस्तों, तो उसके बाद इसको सेलेक्ट ऑल करना है हमें। सेलेक्ट ऑल करते हैं, फिर
फिर उसके बाद डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करेंगे, अब यहाँ पे हमें इसकी एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। फोल्डर के लिए हम यहाँ पे गए, इसके अंदर हमें मेरा ये सारा नॉर्ब्रिमसे का ही डाटा है, तो यहाँ पे हम जो है इसका एक फोल्डर बना लेते हैं कोच नंबर के हिसाब से, जो हमारा कोच नंबर है उसको डाला हमने, और उसके बाद इसको ओके कर दिया। सॉरी, हाँ ओके ओके करते हैं, फिर से हमें गलती हो गई थोड़ी सी, फिर से हम यहाँ कोच नंबर डालते हैं। कोच नंबर डालने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे, ये हमारा सारा डाटा जो है वहाँ पे सेव होना स्टार्ट हो गया एक फोल्डर के अंदर। दोस्तों ये गलती हमें नहीं करना है, हमें फोल्डर बना के ही उसमें डाटा डाउनलोड करना है। अगर हम फोल्डर नहीं बनाते हैं, अगर डाटा हम सेव कर देंगे, तो आपका पूरा सिस्टम पूरा एक ही लॉक से ही भर जाएगा। इसलिए हमें जो भी डाटा इसका सेव करना है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, हमें जो भी डाटा सेव करना है एक फोल्डर बनाना है, फोल्डर के अंदर हमें सेव करना है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है सेव होने में, जैसे ही 100% हो जाएगा हमारा डाटा सेव हो जाएगा। और हमारी जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है नॉर्ब्रिमसे का डाटा डाउनलोड करने में, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर एक बार बताइएगा, तो मैं आपको जो है हेल्प कर सकता हूँ आपकी। और ये 100% हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा डाटा डाउनलोड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।